हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मीटिंग विद संजय जैन। तो हम जो है ऊपर आ गए हैं, यहाँ पर हम कबूतरों का शौक करेंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर कबूतरों की सेवा की जाती है। साथ में संजय जैन साहब के साथ आसिम भाई हैं जो यहाँ पर देख रेख करते हैं। तो चलिए परिचय करवा दीजिए। हमारे आसिम भाई हैं जी, पास में एक गांव है चौधरपुर। अच्छा, वहाँ से आते हैं। अच्छा, अपना भी थोड़ा बहुत घर में इनका शौक है। अच्छा अच्छा, तो विनर भी हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, और अच्छा इनका अपना शौक है मद्रासी का। अच्छा, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ सेवाएं देते हैं। अच्छा, और सुबह आते हैं 8 बजे 9 बजे और शाम को सूर्यास्त के बाद जाते हैं। अच्छा, 7 बजे मुस्तकिल यहाँ पर ये रहते हैं, पूरी सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा, पूरा हमारा जो शौक है वो उनके ऊपर ही। अच्छा चलिए चलिए, तो फिर हमें शौक करवा दें थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, ये जो लॉफ्ट है ये उन कबूतरों के लिए हैं जो बीमार हैं, जिनकी सेवा होती है यहाँ पर। आइए देखिए, आ जाइए। ये देखिए, ये सब बीमार कबूतर हैं। अच्छा, इसमें कुछ स्लैक हो गए कि भाई चलने फिरने भी लगे हैं। अच्छा, और इसमें सभी तरह की बीमारियों के कबूतर हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं कुंडे में मिट्टी रखी हुई है इनके चुगने के लिए, और सभी जाति के और सभी तरह के इसमें कबूतर हैं। इसको देखिए आप, कुंडे के पास जो चल रहा है सरक रहा है ये, इसको लीजिए स्पेशली, है ना। तो इस तरह के भी परिंदे बहुत इसमें रहते हैं, है ना। तो इनमें ये देखिए लकवा इसमें है, जैसे अभी गर्दन कर रहा था नीचे, ये है ना। इसको देखिए, इसको ये खुजली की प्रॉब्लम है, इसको ये गर्दन कैसे उठा के है ना। यानी जितने भी मर्द हैं यहाँ पर, यहाँ पे हाँ। अच्छा, ये देखिए ये, हाँ। तो ये लोग कहते हैं कि भाई जो वायरस वाले कबूतर हैं उनको अलग कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं? वायरस ऐसा नहीं है कि इनकी हवा के माध्यम से वायरस आता हो। जी जी। वायरस का क्या है कि जो कबूतर बीमार होता है ना, तो उसकी नाक से एक पानी टाइप का, कह लीजिए नज़ले में जैसे बहने लगती है नाक, जी जी। उस तरह का एक प्रॉब्लम होती है उसमें। अच्छा। और जब वो पानी में अपनी गर्दन डुबा के और उसमें पानी पीता है, चोंच को डुबा के, तो उसकी जो नाक से जो बहरा होता है वो तरल, जी जी जी, वो उस पानी में मिक्स हो जाता है। अच्छा, अच्छा। उस पानी को अगर अच्छा कबूतर भी पीता है, हाँ, तो उसके बाद फिर जो है वो उसमें वो प्रॉब्लम आ जाती है कबूतर में। अच्छा। तो इसलिए कबूतर का दाना पानी अलग होना चाहिए, भले ही कबूतर एक साथ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। प्रॉब्लम तब होती है जब वो एक साथ खाता पीता है। अच्छा। और उसमें भी खासतौर से पानी में। अच्छा। कि पानी अगर एक ही बर्तन में चोंच डुबा के पानी पी रहे हैं, जी जी जी, तो उसकी नाक का जो तरल है जो उसमें वायरस है, हाँ, वो उस पानी में आ जाता है। अच्छा। तो उसको जब अच्छा कबूतर भी पीता है तो फिर वो वायरस वहाँ निकल जाता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि बड़े बर्तन में कुछ गहरा जो बर्तन है उसमें दाना डालिए, तो देखिए हमारे यहाँ तसले में रखा हुआ है दाना ये। ये इसमें इसमें दाने में चावल है, गेहूं है, बाजरा है, अकला है, अच्छा, मूंग की दाल है, अच्छा, चना है, जी जी, और सरसों है पीली, अच्छा, मक्का है, जी जी, नौ आइटम है इसमें मिक्स। अच्छा, नौ आइटम है। और 12 महीने हम यही सब चीज़ें कबूतर को देते हैं। अच्छा। वो बात अलग है कि भाई उसमें कभी, आपने एक गांठ का कबूतर पूछा था ना, ये कासमी कबूतर उठाओ जरा आसिम भाई, ये देखिए इसके पैर में गांठ है ये। अच्छा, ये गांठे होती हैं, बहुत बड़ी गांठ है। हाँ, तो इसको अगर हम अलग भी करना चाहें तो अलग हो नहीं पाएगी ये। अच्छा, अच्छा। तो उसका ये है कि भाई जब तक ये सुकून से जी रहा है तो जीने दो। अच्छा। तो उसके लिए हम जो भी कैल्शियम वगैरह जो दूसरी बहुत लाइट सी दवाइयाँ होती हैं, वो हम टाइम टाइम पे देते रहते हैं। अच्छा। लेकिन दरअसल लोग सोचते हैं कि भाई ये परेशानी है तो मेरी 10 दिन में 5 दिन में ठीक हो जाए। जी जी जी। तो ये हमारे पास सालों से तो है, सालों और रहेगा, तो परेशानी तब भी ठीक नहीं होगी। अच्छा। तो जो ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं वो दे रहे हैं। तो इतना सब्र हर आदमी में होता नहीं ना कि भाई वो बीमार कबूतर की सेवा करता रहे। वो देखिए लकवा, वो देखिए लकवा कैसे गर्दन घुमा रही है, वो हरा कबूतर है ना, ये लकवे में है। अच्छा। इसकी बाजू दिखाओ, उसके बराबर इसके पीछे बैठा है, बाजू इसके पीछे बैठा जो नीचे, हाँ ये देखिए इसकी, इसमें भी गांठें हो रही हैं, देखो। इसकी आंख दिखाओ जरा सफेद वाले की। हाँ, आंख का भी लोग पूछते हैं, आंख में ये हो जाते हैं, नजला जुकाम हो जाता है। अच्छा। और आंख में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग समझ नहीं पाते, बहुत से लोग जी, ये क्या है, इसकी आंख में क्या हो गया है, ये आंख में गांठ हो गई है, कपास हो गई है अंदर, गांठ हो गई है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। जी जी जी। तो ये दर्द से आंखों को रगड़ता है जमीन पे। अच्छा। अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। अच्छा, है ना, खाल गई है। अच्छा, मतलब चर्बी कह लीजिए आप, इतनी बढ़ गई है इसकी गई है कि उसको दिखाई देना बंद हो गया उससे। और दर्द की तो इसकी जो, बस इसको दर्द है तो वही समझ सकता है, हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेगे, लेगे।
कितना दर्द इसे है, और अगर ब्रीड वाइज देखें तो इतना अच्छी नस्ल और इतने अच्छे अच्छा कबूतर है ये जी। हाँ कैरियर भी है, देखिए जी। अब मुझे ज़्यादा फैंसी कबूतरों के बारे में नॉलेज भी नहीं है, है ना, लेकिन ये सब है। तो ये लगभग 150 से 200 कबूतर इसमें हैं, 150 के आसपास होंगे सब मिला के, इधर उधर मिला के। अब हम जिस लॉफ्ट में जा रहे हैं ये लॉफ्ट है, इसमें दो नस्लें हैं। अच्छा, सहारनपुरी जी और दूसरा शाहजहानपुरी। शाहजहानपुरी, तो आइए हम आपको शौक कराता हूँ। तो यहीं दिखाऊं कि अंदर देखेंगे? पहले अंदर का एक थोड़ा सा ले लीजिए। अंदर का देख लेते हैं कैसा है। इसमें आप देख रहे हैं इसमें लगभग 50 खाने हैं। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं 10 खाने इस तरह से लाइन में हैं। अच्छा, और 4 रो हैं इसकी नीचे तक, और 10-11 खाने हमारे नीचे लगे हुए हैं लकड़ी की पेटियों में। तो सब मिला के 51 खाने हैं इसमें। अच्छा, तो इसमें सहारनपुरी और शाहजहानपुरी दो ही ब्रीड है इसमें। दो ब्रीड है बस। तो मैं बाहर दिखाऊं कि यहीं देखेंगे आप? नहीं, जो यहीं दिखा दीजिए आप। तो ये दिखाओ जरा आसिम भाई, ये सहारनपुरी में आपने इसमें पेयर करके डाल रखे हैं। जी 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 जी, ये सहारनपुरी है। अच्छा, ये पुखराजी आंख में है। अच्छा, पुखराजी आंख। पुखराजी, हाँ, स्पेशली जो मक्खन होता है ना अमूल का, जी, जी, उस कलर की आंख होती है। अच्छा, बहुत कम, मतलब सहारनपुर में भी आपको इस आंख के कबूतर कम मिलेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं नहीं है, चीजें तो सब जगह हैं। जी, 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 लेकिन इस आंख का कबूतर जल्दी से, दरअसल लोगों को पता ही नहीं है कि सहारनपुरी क्या होता है, है ना। ये आप दूसरा ये दिखाओ, कलदुमा जोड़ जो है, ये कलदुमा है सहारनपुरी। हाँ, ये जोड़ है ये, तो ये देखें इसकी भी वही आंख है। हाँ, इसकी भी आंख वही है जी। और ये भी कलदुमा सहारनपुरी जोड़ है। अच्छा, अभी कुरीज में है थोड़ा, इसकी गर्दन वर्दन देख रहे हैं ना, पर झाड़ रहा है थोड़ा सा, कुरीज में है हल्का सा। अच्छा, तो इसमें मादिन भी है कलदुमे, इसके आगे भी कलदुमा जोड़ है। अच्छा, एक ये काला दिखाओ जोड़ सहारनपुरी, नीचे ये सब लाइन से काले हैं। नहीं, ये शाहजहानपुरी है, ये काला सहारनपुरी है अभी। अच्छा, काला सहारनपुरी जी, ये देखिए बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इनमें जो आईज में कुछ रेड होती हैं? नहीं, सहारनपुरियों में रेड कम होती हैं, होती। हाँ, तो हैं। अच्छा, लेकिन वो अच्छा जो माना जाता है पुखराजी आंखों में माना जाता है। अच्छा, ये देखिए, ये काला जीरा बोला जाता है इसको, काला जीरा, काले जीरे जो होते हैं सहारनपुरियों में। जी जी जी, तो ये अच्छा, वो है। तो सबसे बड़ी बात ये, मेरे पास आपको ज़्यादातर जो इसमें नज़र आएंगे ज़्यादातर पुखराजी आंखों में नज़र आएंगे। पुखराजी आंखों में। एक सहारनपुरी और होती है, वो कहलाती है तारे वालों में से। अच्छा, तारे वालों में। इसमें देखो तारे वालों में की मादिन है सेकंड नंबर पे ना, सफ़ेद मादिन है, वो दिखाओ, ये तारे वालों में की है। अच्छा, हाँ, वो छोटी मादिन है। ये सहारनपुरी टाइप की होती है बिल्कुल जी, जी। बहुत बारीक तिल होता है इसका। अच्छा, हालांकि इस वक्त थोड़ा सा रोशनी में देखेंगे तो बहुत बारीक हो जाएगा तिल इसका, अभी बड़ा दिख रहा है ये। जी जी जी, हाँ, लेकिन इसे आप सूरज की रोशनी में देखेंगे तो बहुत बारीक हो जाता है। अच्छा, है ना, सफेद चोंच होती है इसके, सफेद पंजे होते हैं, सफेद पंजे। हाँ, छोटी है। अब तो देखने को ये नस्ल बहुत कम हो गई है, बहुत कम मिलती है। ओरिजिनलिटी में तो ना के बराबर रह गई है। अच्छा, ये भी 100% ओरिजिनल नहीं है जी। अच्छा, लेकिन तारे वालों में से है। हाँ, ये शाहजहांपुरी है। शाहजहांपुरी है जी। अच्छा, और ये देखिए इसका मको जोड़ है ये जी, और इसकी जो है, हाँ, काली आंख में है ये, नीली गर्दन है इसकी, है ना, ये जोड़ है मको। और दिखाओ भाई जरा शाहजहानपुरी में, एक हरा जोड़ है शाहजहानपुरी में मको आंख में, वो भी दिखा दो। ये देखिए शाहजहानपुरी, ये बड़ी चोंच में है शाहजहानपुरी। ये देखिए चोंच इसकी छोटी है। हाँ, छोटी चोंच है। अब आंखें देखो बिल्कुल एकदम इसकी सफ़ेद एकदम, है ना। ये खुले वाले कहलाते हैं, जो हरे वाले होते हैं उनको खुले खुले बोलते हैं शाहजहांपुर में। अच्छा, कोई नहीं, ये हरे आ गए। हाँ, ये देखिए ये मको है हरा, वो पहले मैंने आपको काला दिखाया था मको आंख में, अरे ये तो सफ़ेद आंख का है। मकवां का एक हरा जोड़ था ना आसिम भाई,
ये देखिए चौंचीस किले की छोटी सी है। हाँ छोटी सी है, ये शाहजहानपुरी है। शाहजहानपुरी है ये। चलिए यासीम भाई, ये लगभग नौ मिला के 25-25 के आसपास 30 जोड़े 50 जोड़े धावली में। अच्छा, दो ही नस्लों के हैं। जिस टाइम दाना वगैरह होता बाहर बाहर इसमें जाल में बाहर इधर बाहर। हाँ नहीं बाहर, वैसे छत पे भी खुलते हैं ये। जी जी जी। अभी दाना डाल के आपको दिखा देंगे। हाँ, जब दाना डालेंगे ना जी जी तो जी, उस वक्त आप इसका फोटो बनाइएगा, बड़ा मजा आएगा आपको उस वक्त। चल रहे हैं इसमें तीन ब्रीड हैं। अच्छा, मद्रासी। मद्रासियों के लिए मैं आपको बता दूं, मेरे उस्ताद हैं मम्मू उस्ताद। अच्छा, विपिन जैन जी दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर मंडी जो है। अच्छा, अच्छा, उसमें बहुत बड़ा उनका आलू वालू का व्यापार है। जी, जी, जी। और मद्रासी के वो बेताज बादशाह हैं हिंदुस्तान। अच्छा, के अच्छा, हाँ तो मैं उनका बाख्तियार खलीफा भी हूँ उस क्षेत्र का। अच्छा, तो उनके यहाँ के मद्रासी हैं मेरे पास। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगा फरुखाबादी निसावरे। अच्छा, उसकी दुम लंबी होती है। अच्छा, बड़ी होती है। अच्छा, जनरली जो देसी कबूतर होते हैं उसमें दुम में 12 से 13 पर होते हैं। जनरली 12 होते हैं। जी, जी। इसमें आपको 17, 16, 18 पर मिलेंगे। अच्छा, है ना। और इसके अलावा एक और ब्रीड है इसमें खतंग, खतंग ये अलीगढ़ के होते हैं। जी, जी, जी। और बहुत शानदार होते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी होती है कि इस जोड़े के जब बच्चे निकलते हैं, अगर 5 झोल बच्चे आप निकालेंगे तो 5 अलग अलग रंग के निकलेंगे। अच्छा, अपने माँ बाप जैसे नहीं निकलते हैं। अच्छा, कोई लाल कोई पीला कोई कैसा कोई कैसा, अलग अलग रंग निकलेंगे। अच्छा, आइए मैं आपको शौक कराता हूँ। देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ निसावरे। निसावरों में जो बड़ी दुम के होते हैं इसमें भी सेम वैसे ही आपने बना रखे हैं खाने। हाँ हाँ हाँ, जो बराबर वाले लगभग इन चार धावलियों में हमारे 200 के आसपास खाने हैं। अच्छा, ये देखिए इसकी दुम देखिए जी। अच्छा, ये वही है जो आप बता रहे थे। हाँ, बड़ी लंबी दुम होती है जिनके। साइज देखिए इसका, है ना जी जी, बहुत खूबसूरत है ना जी। इसकी आंखें वहां के दिखाओगे जरा। ये कौन से कहलाते हैं? ये निसावरे। निसावरे, हाँ। कहाँ की होती है ये? फरुखाबादी, कानपुर के भी कह देते हैं लोग, लेकिन स्पेशली अच्छा, फरुखाबाद के होते हैं, फरुखाबादी कहलाते हैं। अच्छा, है ना। इसमें एक इसको दिखाओ, उसमें कलंज नर पड़ा ना, कलंज नर दिखाओ। ये देखिए ये कलंज चीनी नहीं, ये रामपुरी है ही नहीं ना। अच्छा, हाँ इस रंग का जो चीनी, इस रंग का चीनी कहलाता है रामपुर। अच्छा, में ये भी वही दुम में है। लेकिन ये हाँ ये फरुखाबादियों में से ही है ये। अच्छा, इसमें भी सब रंग आते हैं। अच्छा, और सभी रंगों की आंखें आती है, जैसे वो मकोथी ये सफेद आंख में है। हाँ, आंख पे थोड़ा दाना निकल गया इसके, है ना। एक इसमें दिखा दो नीचे से, इसमें जो है ये, हाँ ये इस निसावरों में से ही। ये देखिए निसावरा, ये फुलसरा कहला सकते हैं आप इसको। अच्छा, ये देखिए दुम इसके। ये देसी कबूतर है और इसमें भी उड़ान शाम तक की होती है। अच्छा, गर्मी में 2-3 बजे तक उड़ता है। अच्छा, गर्मी में। हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मीठा उड़ता है बहुत ज्यादा। मीठा मतलब हल्के 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 आराम से। एक अब आप खतंग देखिए, अब आप खतंग देखिए। खतंग में वो जोड़ा निकालो पीला ऊपर से ना। ये देखिए जोड़ा है ये। अच्छा, और ये चिलकिया खतंग भी बोल देते हैं इसको। चिलकिया खतंग। जी 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 जी। अच्छा, ये पूरा पेयर है इसका। अच्छा, मादिन भी उठा के दिखाओ जरा, इसकी नरमादिन दोनों दिखाओ इसके। बहुत बढ़िया खतंग। खतंग चलो एक खतंग नीचे से दिखाओ जरा। नीचे है ना वो अपने घर वाला? नहीं नहीं बड़ा, जिसमें छल्ले पड़े हुए। इसके साथ चलो यही दिखा लो, इसकी भी आंखें वाँखें दिखाओ जरा। इसका कलर देखिए आप। हाँ। और बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन वाला परिंदा है ये। खतंग कहाँ की है ना सर? ये अलीगढ़ की। अलीगढ़ की है। वो बहुत से लोग मेरठ के ही बोल देते हैं, लेकिन अच्छा, अलीगढ़ का ही माना जाता है इसको। और दिखाऊं खतंग में कलर? खतंग में कलर ये दिखाओ जरा, ये सामने जो रखा नीचे वाला, ये नर उठा लो उसमें से। हाँ ये देखिए खतंग, इसमें बहुत सारे कलर मिलेंगे आपको। अच्छा, अब ये जरा शाहजहानपुर इसमें सॉरी मद्रासियों में दिखा लो। ये दिखाओ सामने से जोड़ा, जोड़े का फोटो खींच ले ऐसी।
ये काफी एक्टिव होते हैं, अरे ये हाथ में नहीं, हाँ बड़ा परेशान करते हैं अंदर भी अंदर बाहर करने में भी। ये लीजिए जोड़ देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत। आज़िम भाई मद्रासियों के बारे में तुम बताओ भाई, तुम मद्रासी के उस्ताद हो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मद्रास, ये बताएंगे आज़िम भाई, बोलवा दे। नफ्ते का बोलते नफ्ते मद्रासी, अच्छा मद्रासी नफ्ते, तो इनमें भी खूब उड़ान होती है। अरे तो शाम मतलब इनका तो रिकॉर्ड है, अच्छा अगर शाम को बैठ जाए तो अच्छी इनकी मेहरबानी होती है। अच्छा बिठाने एक जोड़ी कास्मी का दिखाओ, ये वाला दिखा दो कास्मी का, एक कास्मी जोड़ है जी। इसकी पलके भी आपको गुलाबी मिलेंगी। अच्छा छोड़ो उसको भी, अभी दिखाओ फुलसरा दिल्ली वाला, ये फुलसरा जोड़ है। अच्छा। बहुत उड़ते हैं बच्चे इसके। अच्छा। ये कहाँ के हैं? ये भी ये सब मतलब वही हैं, मद्रासी हैं सब। अच्छा, मद्रासी हैं। अच्छा, मद्रासी हैं। हाँ, सब मद्रासी दिखा रहे हैं आपको। एक एक क्रंच की जोड़ दिखाओ मद्रासियों में, आप इसे चीनी भी बोल सकते हैं। अच्छा, चीनी भी बोल सकते हैं वैसे। देखो इसकी दोनों आंखें देखिए, एक लाल है, हाँ, एक लाल है और दूसरी तरफ किसकी काली है। अच्छा दिखाओ, वही दूसरी दिखाओ, मादिन की भी ऐसी ही है। अरे अच्छा, ये चोटी वाला है, हाँ चोटी वाला है, बहुत उड़ान है इसमें। अच्छा, और ये उस्ताद के यहाँ से आया हुआ है हमारे। अच्छा हाँ, इसकी भी देखिए दोनों आंखें, ये मादिन है उसकी। अच्छा, इसकी ये पीली है इधर की और इधर की है लाल। और सबसे बड़ी बात है दोनों अलग अलग जोड़ से आए हैं, मतलब अलग अलग जगह के हैं। ऐसा अच्छा, नहीं कि दोनों भाई बहन हो। अच्छा, या हाँ हाँ ब्लड बच्चा भी हुआ है। हाँ बच्चा बैठा है, हाँ बच्चा भी बैठा है अभी, तो ब्लड लाइन का बड़ा ध्यान रखते हैं हम लोग। हाँ हाँ मद्रासी हैं अभी, हाँ सब मद्रासी हैं। ये देखिए तो मुझे लगता है हो गया मद्रासी का भी। हाँ, और देखना चाह रहे हैं कुछ? नहीं काफी है, है ना। हाँ, तो चलिए आइए। ये जो धावली है इसमें तीन चार ब्रीड हैं। अच्छा, इसमें देवबंदी हैं। अच्छा, रामपुरी हैं और कुछ ललदुमे हैं। अच्छा, कुछ इसमें आबी जो होते हैं ना किरतपुर साइड, हाँ, के हाँ, हाँ, कास्मी में जी, जी, वो भी हैं। अच्छा, कुछ एक दो नीलदुमे भी हैं कुछ जोड़। अच्छा, तो सब मिक्स हैं, पाँच छः चार पाँच तरह के। आइए दिखाते हैं। दरवाजा बंद कर लियो भाई जरा। हाँ, हाँ ये रामपुरी जोड़े हैं, देखिए आप ऊपर। अच्छा है ना, हाँ ये रामपुरी है सारे। हाँ ये काफी बड़े साइज में रहते हैं ये जल्दी से मिलेंगे नहीं जी आपको। जी जी, रामपुर में भी कम खिलाड़ियों के यहाँ साइज के कबूतर मिलेंगे। हाँ, आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे जी जी, लेकिन बड़ा ढूंढना पड़ेगा और जिसके पास होंगे वो देगा नहीं, दिखाएगा नहीं। बिल्कुल, तो ये है इधर सब रामपुरी है, ये सब ऊपर रामपुरी है। हाँ सभी रामपुरी अच्छा, है ना। ये फिर देवबंदी है, ये मादिन जो है छापदार है, ये भी देवबंदी है। अच्छा, लेकिन लोग इसे छापदार कह देते हैं उधर बिजनौर साइड के। अच्छा, लेकिन देवबंदियों में से ही आती है ये भी। अच्छा, है ना, ये भी ये रामपुरियों में से है, ये भी रामपुरियों में से है, ये देवबंदी है। हाँ हाँ, एक देवबंदी जोड़ दिखा दो आसिम भाई, एक देवबंदी जोड़ दिखा दो। ये देखिए देवबंदी है, ये सफेद आंख में है। अच्छा, ये देखिए मको आंख में है। अच्छा, और मकुआ का कबूतर ज़्यादा अच्छा माना जाता है देवबंदी। अच्छा, मतलब वैसे तो अच्छे तो सारे ही हैं देवबंदी, जल्दी से मिलते नहीं है,
लेकिन अगर हम नंबर देंगे तो कहीं ना कहीं मको वाले को ज्यादा देते हैं। दोनों ज्यादा उड़ते हैं लेकिन कुछ क्वालिटी मको की ज्यादा अच्छी मानी जाती है। इसमें रामपुरियों में जो देखता हूँ अक्सर वो मटियाली आग के होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए आप इसकी आँख देखिए, ये हाँ ये इसकी आँख देखिए, है ना। हाँ दुम इसकी कासमी टाइप की होती है एकदम, इसकी चोंच भी आपको दुम की रंग की मिलेगी, आंखें भी पलके भी सब उसी रंग की हैं। ये है 35 वाले जो बॉर्डर के कहलाते हैं, 35 वाले बॉर्डर के, हाँ बॉर्डर वाले कहलाते हैं, 35 वाले। अच्छा ये उसकी जोड़ है। अच्छा। ये हमारे एक मित्र हैं लखनऊ, उनके यहाँ से गिफ्ट में आई हुई है जोड़। अच्छा। आरिफ इकबाल भाई हैं। अच्छा। उनके यहाँ से गिफ्ट में आई हुई है। अच्छा। बड़े मन से गिफ्ट दिया उन्होंने हमें ये। जी कौन सा कबूतर है ये? कासमी है, काटाकश है ये। अच्छा। और ये आबी कहलाता है। अच्छा। एक की जोड़ ललदुमा दिखाओ, तो ये देखिए ललदुमा की जोड़। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। 42-43 साल हो गए हमें तो देखूं। हाँ, ऐसे ही है ना। तो हम तो बर्बाद हैं शौक में तो उसके बाद भी खूबसूरत नहीं होंगे तो फिर कब होंगे। रामपुरी नस्ल के कुछ लाल हैं। अच्छा। कुछ लाल इसमें अलीगढ़ी भी हैं। अच्छा। अलीगढ़ी सुर्खे बोल देते हैं उनको। जी जी जी। और लालगढ़ी इसमें, अलीगढ़ी इसमें कनखुले भी हैं। अच्छा। अलीगढ़ी इसमें गुलाबी भी हैं। अच्छा। अलीगढ़ी की बहुत सारी नस्लें होती हैं। हाँ अलीगढ़ी गुलाबी भी हैं। अच्छा। उसके अलावा भी और नस्लें हैं इसमें। अच्छा अच्छा। जैसे आप सुंदरे देख रहे हैं ये, है ना। तो चलिए आप अंदर दिखाते हैं आपको। आइए आइए। रामपुरी कलंज के दिखा दो जोड़ एक तो। वो ये कलंज, रामपुरी कलंज, रामपुरी कलंज है ये। इनको वहाँ चीनी बोलते हैं शायद। ये चीने बोलते हैं। चीने, 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 हाँ। जी। बिल्कुल वही है ये चीने। एक चीने मको भी होते हैं। अच्छा इसमें दूसरा वो दिखाओ जरा, लाल अंबरसरे जो हैं। लाल अंबरसरे। जी जी जी। ये कुछ इसमें इतना नहीं लग रहा, खतंग जो थे। नहीं 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 ना ना, वो अलग है बिल्कुल। अच्छा। ब्रीड अलग है वो। अच्छा। ये लाल अंबरसरे हैं और ये रामपुरी हैं। अच्छा, अंबरसरे भी। अच्छा। हाँ अच्छा। कुछ लाल अंबरसरे अमृतसर साइड के भी आते हैं। अच्छा। और जगह के भी आते हैं। अच्छा। लेकिन ये रामपुरी अंबरसरे हैं। हाँ हाँ हाँ, छोड़ दो भाई। एक वो काला अंबरसरा था ना जो, ये काला अंबरसरा कहलाता है। ये जल्दी से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये भी मुझे गिफ्ट में आया हुआ है जोधपुर से। अच्छा। हाँ ये जोधपुर से आया हुआ है। तो भाई उन सब दोस्तों का भी शुक्रिया जिन लोगों ने हमें गिफ्ट दिए हुए हैं। ये शरीफ भाई ने दिया था हमें, जोधपुर में है शरीफ भाई, उनके यहाँ से आया हुआ है। अच्छा। एक लाल जोड़ दिखाओ उठा के कोई सा। देखिए ये लाल जोड़ है। अच्छा। और इसमें मैं क्रॉस में बना रहा हूँ उसको। अच्छा। मतलब अलीगढ़ी और रामपुरी, रामपुरी दोनों। अच्छा। का ब्लड लाइन चेंज मतलब मिला के जी, जी, जी। तब मैं बना रहा हूँ उसको। अच्छा। तो सुरखे भी कहलाते हैं ये। ये लीजिए गुलाबी है। अच्छा गुलाबी। हाँ ये भी अलीगढ़ी है। अलीगढ़ी है ये भी गुलाबी। अच्छा। एक आसिम भाई ये लाल सिरा दिखाओ, रामपुरी जो है ना, ललसिरा जो पीछे की तरफ बैठा है ये। हाँ ये देखो बड़ा खूबसूरत पट्टा है ये भी ललसिरा। अच्छा। ये भी रामपुरियों में से निकला हुआ है। अच्छा। पीला भी दिखाओ, ये भी अलीगढ़ी है, ये भी अलीगढ़ी है। अच्छा। इसके ऊपर ये भी देख लीजिए, इसके ऊपर जो सफेद है ये सफेद, इनके पैरों पर भी है। हाँ ये नलीबंद कहलाते हैं ये। जी, जी, जी। और ये सिरसी, हाँ सिरसी की नस्ल है ये। अच्छा। सिरसी के पास एक जगह संभल। अच्छा। संभल के कलचोचे मशहूर हैं। अच्छा, ये संभल के कलचोचे ये उसी में से ही। अच्छा। उसी जैसे ये बने हुए हैं, बस इसमें उसमें डिफरेंस इतना ही है कि इनके पैरों पे पर होते हैं, उनके पैरों पे नहीं होते हैं।
सिरसी और संभल में 10 से 15 किलोमीटर का डिफरेंस है। अच्छा। दोनों पास पास है दोनों, है ना। चलिए ये जो दो जाल देख रहे हैं आप सामने, जी जी, इन दोनों जालों में उड़ने के हिसाब से हमने डाले हुए हैं। अच्छा, ये उड़ने के हिसाब से। कभी मोड़ होता है ना तो बैठ के आराम से देखते अच्छा, रहते हैं। अच्छा। ये आसमान जाते हैं। अच्छा। तो इसमें देसी कबूतर हैं उड़ने वाले। अच्छा। इसमें हमारे नर हैं, ये सारे नर हैं। हाँ, उसमें मादीन है उधर वाले जाल में, थोड़ा पास से। हाँ, देखिए देखिए देखिए, अभी इनके मैंने परपटाई की हुई है। अच्छा। तो अभी 1 महीना लगेगा इनको तैयार होने में। अच्छा, मतलब वो हाँ पर जो खींचे पर खींचे जाते हैं। अच्छा जी। तो पर पटाई की थी इनकी जनवरी में। अच्छा। तो अभी 1 महीना लगेगा इनको तैयार होने में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब उड़ने के हिसाब से हैं। सही है। ये पूरे नर हैं, ये सब नर हैं। और इसमें इसमें मादीने हैं। अच्छा। आसिम भाई जरा खोलो, इसका भी ताला खोलो। इसमें सभी नस्लें हैं हमारे पास। हाँ, उड़ने में भी है। हाँ, रामपुरी भी हैं, ललदू में भी हैं। अच्छा। नीलदू में भी, सब तरह के जो बच्चे अपने निकलते हैं ना उड़ाने में डाल देते हैं उनको। काफ़ी अच्छा बना रखा है। हाँ, ये ऊपर बैठ जाते हैं, कबूतर उड़ के आते हैं तो बैठ जाता है ऊपर। और डाल दो आसिम भाई, और डाल दो। ये सुबह को उनको हम वो दे रहे हैं आजकल, सरसों। अच्छा, सरसों और क्या बोलते हैं उसको, अलसी और मूंग की दाल। हाँ, ये तीन चीज़ दे रहे हैं। अच्छा। इसके बाद फिर दाना देंगे। अच्छा। ये है कलचोचे, कलचोचे संभल के जो होते हैं, संभल के जो कलचोचे हैं उसका लॉफ्ट है ये। और अच्छी बात ये है जी कि शायद संभल में भी कुछ ही लोगों के पास ऐसे अच्छे कलचोचे होंगे, वरना वहाँ भी मतलब करीब करीब ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं है जी जी, लेकिन बहुत कम और बहुत कम लोगों के पास। अच्छा। इतनी क्वांटिटी में आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे। अच्छा। तो ये देखिए, एक सब कलचोचे हैं, इस साइज़ के कलचोचे आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं। अच्छा। और इसकी शिनाख्त भी जो है हर आदमी को नहीं पता है कि भी कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, है ना। तो इसमें हमारे पास हाँ सब कलचोचे हैं। इसमें कई सारी नस्लें आती हैं। इसमें एक नलीबंद है, इसमें एक हाँ ये कलदुमे हैं, फुलसरे कलदुमे भी हैं, कलदुमे भी हैं। अच्छा। ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये बनारसी जोड़ है। अच्छा। ये चिट्टा जोड़ है, सफ़ेद जोड़, काली सफ़ेद चो सफ़ेद बंजो का एक ही जोड़ है ये इसमें। अच्छा। इसमें और डालूंगा मैं इस तरह के जोड़। अच्छा। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले इसमें थोड़ा पेंट वेंट कराया है। अच्छा, वो तो उसकी वजह से इसमें जोड़े अभी सब सेट नहीं कर पाए, तो इसमें अभी जोड़े और आएंगे, दूसरी धावलियों पड़े हैं वो जी। तो उधर से निकल के इधर आने हैं कुछ जोड़े अभी। अच्छा, 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 अच्छा। तो आएंगे इसमें जोड़े। चलिए, इसका भी शौक कराएंगे तो जोड़ का किसी का। हाँ, दिखा दीजिए ये वाला जोड़, दिखा दो सामने वाला। और कलचोचे में सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आपको दुम में या गर्दन पे जी कहीं ना कहीं काला पर जरूर मिलेगा। अच्छा। और अगर काला पर नहीं है तो अच्छा नहीं है। ओहो, ये खासियत, ये खासियत है। जैसे दुम है ना, तो ये लंगोट जो है काली मिलेगी। अच्छा, या उसके ताबीज़ होगा, चोंच के नीचे की तरफ काला। अच्छा। निशान होगा, या गर्दन के ऊपर काला निशान होगा। तो यही पहचान है, खास पहचान है। हाँ, बाकी काली चोंच होती है, बिल्कुल काले पंजे होते हैं, इनकी जीभ भी काली होती है, आँखों के पलके भी काली होते हैं, ये सब रहता है। एक कलदुमों का जोड़ दिखा दो, ये मको देख लीजिए, कलचोचों में दिखाओ, आँख भी दिखाओ, पंजे दिखाओ। पंजे दिखा दो इसके, लंगोट में कहते हैं ना, लंगोट काली होती है, तो वही है। लो ये भी लो। और एक कलदुमो की जोड़ दिखाओ जरा। मतलब लोग आजकल कहते हैं बड़े साइज के कबूतर उड़ते नहीं है। हाँ। और ये शाम को बैठते नहीं है। हमारे लगभग 55-60 जोड़े हैं। अच्छा। और मिक्स जोड़े हैं। अच्छा, मिक्स हैं इसमें। इसमें मुरादाबादी भुर्रे भी हैं। अच्छा। ललदुमे भी हैं। हाँ। कलदुमे भी हैं। अच्छा। हरे भी हैं। हाँ। ना कासमी भी हैं। अच्छा। तो सभी तरह के मिक्स हैं, ये देखते हैं। तो आप सबकी वैसी एक वीडियो बना लीजिए यहाँ से, है ना। हाँ। एक एक को अलग अलग करके दिखाएंगे तो बड़ा टाइम भी बहुत लगेगा आपके पास, टाइम की भी प्रॉब्लम है। हाँ। खाने देखिए किस साइज के खाने हैं ये, मतलब 24 इंच से भी ज़्यादा बड़ा खाना है। खाने काफ़ी बड़े बड़े हैं आपके यहाँ। हाँ हाँ। नीचे इसमें टोंक के भी हैं। अच्छा। हाँ, टोंक के अपने जो होते हैं ना गंडे, गंडेदार, वो भी हैं इसमें। अच्छा।
इसमें जो कबूतर आप देख रहे हैं जी, ये कमर खुले हैं, कमर खुले। अच्छा। और ये हमारे उस्ताद हुआ करते थे जानालम, मुंशी जानालम बोलते थे उनको। अच्छा। ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में एक जगह है बुढ़ाना जी, और वहीं पे खानपुर भी एक जगह है। अच्छा। तो खानपुर के नवाबों के यहाँ एक नस्ल हुआ करती थी और उन्हीं में से बने हुए कमर खुले। अच्छा। इनको एक दिन तो छोड़िए, दो दिन भी कम पड़ते हैं। ओहो, अच्छा। आज अगर उड़ाएंगे जी, सब तो नहीं कि आपने 100 उड़ाए तो 100 के 100, लेकिन उसमें अधिकांश कबूतरों की ये स्थिति है कि आपने आज उड़ाया, कल को आपको नजर आएगा वो उड़ता हुआ 12 बजे 11 बजे, शाम को फिर नजर आएगा। अच्छा। नहीं बैठेगा वो। हाँ। तीसरे दिन फिर 12 बजे 11 बजे नजर आएगा। अच्छा। और 2 बजे 3 बजे या 11 बजे 12 बजे बैठेगा वो। इसको करीब से दिखाएं। हाँ, देखिए देखिए, तो इसमें एक तो ये कनखुले दिखाओ, जरा कासमी दिखाओ, कनखुलों का एक आध कबूतर पकड़ के एक आध हरा दिखा दो, देख के इधर को आ जाओ आप, एक कासमी दिखा दो, एक हरा दिखा दो। ये इसमें कासमी हरे दोनों निकलते हैं। अच्छा, कासमियों में से हरे निकल जाते हैं, हरियों में से कासमी निकल जाते हैं। अच्छा। और ये नस्ल बहुत जल्दी से आपको उपलब्ध होगी नहीं कहीं, मिलेगी नहीं जल्दी, ज़्यादातर लोग इसे पिंडोलिया कासमी कह देंगे। अच्छा, एक इसमें हरा दिखाओ जरा, ऊपर बैठा कोने पे, ये फिलहाल मुझे उपलब्ध हुए वहाँ से, लखनऊ से, वहाँ हमारे एक परिचित हैं कर्नल कमल सिंह जी, जी बहुत अच्छे जानकार हैं। अच्छा। तो उनके यहाँ से मुझे मिले थे कमर खुले। अच्छा। ये भी गिफ्ट में आए हुए। इसमें एक और है मेरठ की नस्ल। अच्छा। दुबाज की। अच्छा। दुबाज नर दिखाओ भाई जरा, अलीगढ़ से जो आए हुए, वहाँ से जो आए हुए लखनऊ से, नर दिखा दो नर। ये देखिए दुबाज नर है ये। ये भी स्थिति इसकी यही है उड़ने के मामले में। हाँ, जितना उड़ जाए उतना कम है। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, लोग पता नहीं क्यों क्रॉस कराते हैं, क्यों क्रॉस वॉस के चक्कर में लगे रहते हैं कि साहब। अब जब कबूतर शाम को आपका टाइम में नहीं बैठ रहा है, टाइम के बाद बैठ रहा है, तो क्रॉस डाल के और क्या चाहते हैं आप उससे। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें यही दो नस्लें हैं बस, दुबाज हैं और ये कमर खुले हैं। अच्छा, दो ही दुबाज हैं, दो नस्लें हैं। इसमें उड़ाने के लिए मतलब टुकड़ी तैयार कर रहे हैं। अच्छा। ये मद्रासियों की, मद्रासी, तो मद्रासी घर के बच्चे हैं सब इसमें। अच्छा। तो ये उसके हिसाब से अभी इसमें 15-20 बच्चे पड़े हुए हैं। अच्छा। ये सब उड़ाने के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। हाँ, अभी फिलहाल इनकी परपटाई की हुई है। अच्छा। तो अभी तैयार होने में 1 महीना लगेगा इनको भी। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा जैन साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कबूतरों को रख रखा है, वहाँ पे इलाज का इंतज़ाम है सारा, बहुत अच्छे तरीके से लॉफ्ट बना रखे हैं, सब आपने देखा। तो लास्ट में हम जैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने अपना वक्त दिया, बहुत कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया तो जी है। जी, लेकिन बात यह है कि भाई शुक्रिया तो हमें आपका करना है ना। जी नहीं, आप सुबह सुबह घर से चल गए हैं जी, अपने घर में बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, तो शुक्रिया भाई हमारी तरफ से, आपकी टीम का। ये लिए शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है? हमजा बदर। तो हमजा बदर भाई आपका भी विशेष धन्यवाद। जी जी, चलिए, अपना टाइम दिया, चलिए। बाकी तो शौक इतना बड़ा है और इतना इसमें लंबा विषय है। जी जी, अगर हम इसको 4-6 घंटे का भी खींचना। जी बिल्कुल 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 सही बात। कबूतर अभी तो आपने लॉफ्ट सारे देख लिए। जी हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी नस्लें रह गई। जी जी, लेकिन ये है कि अपना आइडिया हो गया। जी 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 बिल्कुल, और निश्चित तौर से भविष्य में कभी और मौका लगेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, शुभकामनाएं। चलिए चलिए, ठीक है।